का प्रेजेंटेशन टॉपिक है इनोवेटिव आइडिया फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ सर। इनोवेटिव आइडियाज एंड एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर में बात करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में जब हाँ इंडिया में 1947 में हमारा एग्रीकल्चर में इनोवेशन हुआ था कि नहीं हुआ था और उसका कंडीशन क्या था। जैसे कि सर आप इमेज में देख सकते हैं 1947 में हमारा भारत देश को बाउल ऑफ बेगर कहते हैं, जो इनोवेशन करते करते हम लोग बाउल ऑफ राइस में अभी कहते हैं हमारी स्टेट को कहते हैं। तो सर हमारा जो 1947 में एग्रीकल्चर था उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सट्रीमली पुअर था, क्योंकि आप इमेज में देख सकते हैं कि उस समय जो हम लोग खेती करते थे हल चलाते थे जो भी ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन करते थे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कम आता था। जो कि हम लोग इनोवेशन लाते के हैं तो ये हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे कि ये मेरे को बेस्ट पिक्चर लगा जो एक शब्द में डिफाइन करता है मेरे टॉपिक को। सर आगे हम बात करेंगे कैसे हम लोग इनोवेशन किया और आगे मैं ये साझा करना चाहूंगा आइडिया कि कैसे और किन किन टॉपिक में हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं। सर इनोवेशन और एग्रीकल्चर हम लोग स्टार्ट किए हैं जैसे कि विभिन्न तरह के प्लाव पे हम लोग इनोवेशन किए हैं, मिल्किंग मशीनरी है और ऐसे ऐसे टूल्स लाए हैं जो हमारे प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर को आगे लेके आए। आगे हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे सर। और मेरा ऐसा आया मेरा मन था और मेरा मत है कि और इन सेक्टर पे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उन टॉपिक पे होना चाहिए इनोवेशन जिससे हमारा एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा। सर फर्स्ट ऑफ मेरा ये इनोवेटिव आइडिया था कि एक्वापोनिक्स एक ऐसा जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर फिश का कल्चर करते हैं। तो सर एक ऐसा सिस्टम है आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें हम लोग फिश कल्चर तो कर रहे हैं लेकिन फिश कल्चर जो वाटर है क्योंकि इसका हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करें क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज करें, क्योंकि सर जो हमारे जो फीस है फीस जो वेस्ट छोड़ती है उसमें नाइट्रोजन रहती है सर। तो अगर इसको हम लोग वेजिटेबल में यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग को क्या है जो फर्टिलाइजर है उसको कम यूज करना पड़ेगा। तो ये सर मेरे हिसाब से इस सिस्टम को अपनाना चाहिए, इसमें इनोवेशन होना चाहिए। नेक्स्ट सर फार्म ऑटोमेशन। सर जब हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो फार्म ऑटोमेशन सबसे पहले आती है, क्योंकि सर जब ऐसे रोबोट सेंसर्स डिवाइसेस जीपीएस सिस्टम का एनालिसिस टूल्स का यूज करेंगे तब हम लोग का जो इनोवेशन है आगे होगा और हमारा टाइम सेविंग होगा। और अभी सर ऑटोमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि ये पर एकड़ यील्ड को बहुत इंक्रीज कर रहे हैं और जो लेबर कॉस्ट है उसको कम कर रहा है और साथ ही साथ ऑटोमेशन से जो क्वालिटी को भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सर ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि प्लांट को टेक करता है सर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और ये सर मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि सर हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जो क्वालिटी है वो सेम बना रहे उसको कम नहीं होना चाहिए। तो सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड करवाती है कि हेल्प करवाती है कि रेगुलेट कर सकते हैं इससे क्वालिटी ऑफ फूड को। नेक्स्ट सर आईओटी। सर आईओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्रीकल्चर में प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि सर इसमें हम लोग इसको कहीं भी एनीवेयर हम किसी भी क्रॉप को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्रॉप हेल्थ के पता लगाने के लिए सॉइल मॉइस्चर को और टेम्परेचर को। जैसे उदाहरण में देना चाहूंगा सर हाल ही में एक फसल कंपनी है सर जो कि आप उसको फील्ड में इंस्टॉल कर देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में दूर दराज बिकाए जो एरिया वहां के किसान इसको यूज कर रहे हैं तो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके फील्ड में इंसेक्ट लगने से पहले ही वो जानकारी दे देता है आपको कब इरिगेशन करना है इसका जानकारी आपको पहले मोबाइल में दे देता है। तो सर ऐसे डिवाइसेस हमको और बनाना चाहिए जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन अधिक हो और प्रोडक्शन अधिक हो। नेक्स्ट सर एग्रीकल्चर रोबोटिक्स। सर 1922 डाटा में हमारा एग्रीकल्चर रोबोटिक्स $5 बिलियन के करीब इसका मार्केट है सर, जो कि हमारे इफिशिएंसी को प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर का बहुत आगे बढ़ाता है। सर इसका यूज हम लोग अभी कर रहे हैं सीड प्लांटिंग के लिए, क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए, वीडिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए, जो कि जो लेबर करता है उससे कई मात्रा में अच्छी क्वालिटी से और गुड क्वालिटी से ये कर सकता है सर। तो इस सेक्टर पे और अच्छा इनोवेशन होना चाहिए, इस लेवल पे रोबोटिक क्षेत्र में इनोवेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हर लेवल का किसान इसको परचेस कर सके और इसका यूज कर सके। नेक्स्ट सर ड्रोन। जैसे सर ड्रोन एक एरियल व्हीकल्स है, इसका यूज हम लोग इरिगेशन और फर्टिलाइजर के लिए यूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी नमो दीदी स्कीम ला रहे हैं जिसके थ्रू जो वुमेन है
उनको भी ड्रोन को यूज करने के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सर बहुत ही कम समय में अधिक समय अधिक एकड़ को ये इरिगेशन कर सकता है। जैसे सर इसमें 10 लीटर वाटर को हम लोग एक एकड़ में इरिगेशन करने के जाते हैं तो मात्र 7 मिनट में 8 मिनट में हम लोग इरिगेट कर सकते हैं। इसलिए हमारे मोदी पीएम जी हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसको इनोवेशन कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी और इनोवेशन होना चाहिए सर। सर जीपीएस जीपीएस का यूज करना चाहिए, इसलिए सर और इससे इनोवेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके माध्यम से सर हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। और एआई क्षेत्र में सर एनिमल तो हम लोग इसमें अगर मेरे हिसाब से इनोवेशन होना चाहिए सर, कि जिसका हम लोग एनिमल को एनिमल के मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, हेल्थ एनिमल के हेल्थ को हम लोग पता लगा सके, और फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशन और लाइव स्टोर जो है उसको किस तरह से हम लोग रेडिंग में यूज कर सकते हैं उसका पता हम इस जीएस के थ्रू लगा सकते हैं सर। अदर आइडियाज में सर जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमको डेवलप करना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाए और टाइम कंज्यूमिंग और सर स्मार्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ना सर वो कभी तभी पूरा हो सकता है जबकि हम लोग स्मार्ट फार्मिंग करेंगे सर। तब वो तभी होगा जब हमको कुछ भी बोले सर प्रिकॉशन जैसे कि बोलते हैं ना बेटर देन कंट्रोल प्रिकॉशन बेटर देन कंट्रोल, इस थीम के अनुसार पे उसको फॉलो करके ऐसे सॉफ्टवेयर और मशीनरी डिवाइस डेवलप करना चाहिए सर जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अधिक हो कम समय में। सर मेरा कंक्लूजन ये है कि जिस तरह से बहुत अधिक मात्रा में हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उस वो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम लोग खाद तभी पूरा कर सकते हैं जब हम लोग स्मार्ट वे पे फार्मिंग करेंगे, ये इन जो मैं डिस्कस करूँ चैनल पे हम लोग इनोवेशन करेंगे। धन्यवाद सर।